तो नमस्कार दोस्तों, जय मराठा, जय शिवाजी। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि लागीर जाल जी अब एपिसोड के अंदर काम करने वाले अभिनेता जिनका नाम है ध्यानेश माने, यानी कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, यानी कि पुणे के अंदर उनके साथ एक घटना हो चुकी है, कार की घटना हुई थी, जिसके चलते यानी वह हम सभी को छोड़ कर चले गए हैं। तो दोस्तों यार, आगे बात की जाए तो आप ये रोड देख पा रहे हो, यानी कि ऐसी रोड घाटियों, और उस दिन मौसम भी थोड़ा खराब था, खराब मौसम के चलते उनको उनकी गाड़ी अनबैलेंस हो गई और हमारे प्यारे फेम एक्टर यानी लागीर जाल जी के अभिनेता ध्यानेश माने जी हम सभी को छोड़ कर चले गए हैं। बाकी यार दोस्तों, किसी को पता नहीं था कि इतनी बड़ी घटना हो जाएगी और इतने बड़े फेम एक्टर यानी लागीर जाल जी के अभिनेता जो जिनका नाम ध्यानेश माने जी, जिनके साथ ये घटना हुई, यानी कि आप देख पा रहे हो रोड कितनी सुनसान है, यानी आसपास कोई गाड़ियां भी नहीं थी और ना ही कोई किसी को भनक थी कि इतनी बड़ी घटना हो जाएगी, क्योंकि यार दोस्तों थोड़ा मौसम खराब था। तो आप सभी से निवेदन है कि आप भी गाड़ी चलाए, कार चलाए तो थोड़ा देख के चलाए, क्योंकि मौसम के चलते ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती है। पर इस घटना ने हमारे प्यारे एक्टर यानी अभिनेता लागीर जाल जी के अभिनेता जिनका नाम है ध्यानेश माने जी, उनको हम सभी से छीन लिया है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो ये घाटी यानी कि कितनी सुनसान है, यानी सुनसान नहीं, इसके अंदर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं रहता है, फिर भी इसके अंदर घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि यार दोस्तों ये घाटी बहुत बड़ी थी और साथ में यानी कि बात की जाए तो वे उनकी गाड़ी भी धीरे चला रहे थे, यानी कि ध्यानेश माने जी गाड़ी धीरे चला रहे थे, कार उनकी ज़्यादा स्पीड में नहीं थी। पर यार दोस्तों, वो बोलते हैं ना कि किस्मत कुछ इस प्रकार थी कि हमारे प्यारे एक्टर को भगवान ने हम सभी से छीन लिया। तो दोस्तों आगे बात की जाए तो लागीर जाल जी के फेम एक्टर ध्यानेश माने जी यानी धीमी स्पीड के अंदर चल रहे थे, वह बिल्कुल धीरे धीरे कार चला रहे थे, पर गाड़ी उनकी अनबैलेंस हो गई। तो आप घाटी देख पा रहे हो, घाटी यानी कि इतनी बड़ी घाटी है, ये घाटी यानी कि 15 किलोमीटर तक कंटिन्यू घाटी घाटी आती रहती है और यहाँ पर गाड़ियाँ भी कम चलती है। पर यार दोस्तों यार, इसके अंदर इतने घुमाव है कि कोई भी इंसान यहाँ पर अनबैलेंस हो सकता है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप भी कार चलाए तो थोड़ा संभल कर चलाए। बाकी यार दोस्तों, ध्यानेश माने जी की याद हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगे वो, और साथ में यार आप कौन कौन उनको मिस कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में उनके लिए मिस यू सर जरूर लिखे। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप भी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय मराठा।